गुजरात के नतीजों में इस बार 10% मुस्लिम वोटर होने के बावजूद एक ही विधायक मुस्लिम बन पाया है। वो मुस्लिम कैंडिडेट भी ओवैसी का नहीं बल्कि कांग्रेस का है। ये एक आंकड़ा हुआ। आज दिन भर आपको सब आंकड़े ही बता रहे होंगे। तब हमने एक ऐसी रिपोर्ट भी दस्तक के दर्शकों के लिए तैयार की है जिसमें पिछले 10 साल में गुजरात विजय के बाद नरेंद्र मोदी के भाषणों को आज के साथ तुलना करते हुए पाया है कि कैसे हर बार बीजेपी नई चुनौती खुद अपने लिए तय करती रही। अन्य वातावरण जो कहू चु कि आ वक्त गुजरात की जनताए नरेंद्र ना रेकॉर्ड तोड़ी ने भूपेन्द्र ना नवा रेकॉर्ड बनावनु नक्की कर दीधु। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया। मोदी, मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से जो मांगा जनता ने उन्हें दिल खोल कर दिया। जनता ने उन्हें निराश नहीं किया। मोदी ने जो बात प्रचार में कही वो सच साबित हो गई। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अभी तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है जिसे पार्टी के लिए प्रधानमंत्री ने पहले से ही लक्ष्य बना दिया था। 150 सीट के लक्ष्य के बीच 5 साल पहले ही नतीजों से पड़ गए थे जब बीजेपी 100 का आंकड़ा छू नहीं पाई थी। उसे 99 सीट मिली जो बहुमत के आंकड़े 92 से ज्यादा तो थी लेकिन 1995 के बाद सूबे में बीजेपी का यह सबसे खराब प्रदर्शन था। कांग्रेस उसे सत्ता से बेदखल करते करते रह गई। उसके खाते में 78 सीटें आईं जो गुजरात में 32 सालों में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद कई फैक्टर जिम्मेदार थे जिसमें पहले नंबर पर था सियासी तौर पर प्रभावशाली जाति पाटीदारों की नाराजगी। तब पाटीदार आरक्षण आंदोलन चरम पर था। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर और तेज तरार दलित नेता जिग्नेश मेवाणी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। इसके अलावा नए नए लागू किए गए जीएसटी की वजह से कारोबारियों में रोष था। ऊना समेत कुछ जगहों पर दलितों पर हुए हमले को लेकर दलित समुदाय में नाराजगी थी। इस सब का बीजेपी को नुकसान हुआ। 2017 में लगे झटके के बाद पीएम मोदी के कान खड़े हो गए। उन्होंने बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ और अपने गृह राज्य को बचाने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया। प्रधानमंत्री ने पीएम ने तो बधु दिल्ली में अहीं तो अपना नरेंद्र भाई અને પછી બધાને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ સોજિત્રા આવ્યા હતા એમણે તમને બધાને પ્રણામ પાઠવ્યા છે। બીજેપીને 150 સીટ કે લક્ષ્ય કો હાસિલ કરને કે લિયે સબસે પહેલે કોંગ્રેસ કો કમઝોર કિયા ચુન ચુન કર ઉસકે નેતાઓ કો બીજેપી મે શામિલ કરવાયા। 2019 મે ઓબીસી ચહેરે અલ્પેશ ઠાકોર ઓર ફિર ચુનાવ સે પહેલે હાર્દિક પટેલ કો બીજેપી મે શામિલ કરવા કર પાર્ટી ને અપના સિયાસી ખતરા કમ કર લિયા। ढाई दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लोगों ने जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया है। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर के अलावा बीजेपी कांग्रेस के अहम नेताओं को तोड़ने में कामयाब रही। 2017 के चुनाव के बाद कांग्रेस के कुंवरजी बवलिया, जवाहर चावड़ा, जीतू चौधरी, अक्षय पटेल, जेवी काकड़िया, प्रद्युम्न सिंह जडेजा, पुरुषोत्तम बाबरिया एक एक करके उसके कई विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस में इस भगदड़ का असर ये हुआ कि बीजेपी 2022 में अपने क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधने में कामयाब रही।
इसके अलावा जिस तरह से 2021 में मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को बदल दिया गया, उसने एंटी इनकम्बेंसी की हवा निकाल दी। विजय रूपाणी से इस्तीफा ले लिया गया, पाटीदार भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया, सभी नए मंत्री बनाए गए, पाटीदारों को जगह दी गई, पुराने विधायकों का टिकट काट कर बीजेपी ने 150 से ज्यादा सीट का ऐसा फार्मूला तैयार किया जिसने चुनाव से पहले ही पार्टी को आत्मविश्वास से भर दिया। सुपर गवर्नमेंट नहीं, हमारा प्लानिंग है, मेरे कार्यकर्ता की जो फौज है, हमारे पास करोड़ों 1 करोड़ 18 लाख तो प्राथमिक सदस्य है, 80 लाख तो हमारे पास पेज कमेटी के सदस्य है, उनकी ताकत पे मैं बोल रहा हूँ। मैं कभी भी कोई भी दावा या बड़ी बात करना मेरी आदत नहीं है, मैंने पहले से जब भी जो कहा है वो करके दिखाया है। 8 में से 8 इलेक्शन जीतेंगे, बाई इलेक्शन कहा था वो भी जीते थे, स्थानीय स्वराज में हमने कहा कि 90% से ज़्यादा सीट जीतेंगे, हमने वो भी जीते हैं। जिला पंचायत 31 में 31 जीते थे, तालुका पंचायत 231 में से 213 जीते थे, नगर पालिका में 81 में से 79 जीते थे, तो ये हमने साबित किया है। सीआर पाटिल ने जो पीएम से वादा किया वो अब पूरा हो चुका है। गुजरात एक बार फिर पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ बीजेपी के हवाले है, जिसमें विपक्ष के लिए बीजेपी को हराना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।